हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं मीत, और आज जो आपने पहले वीडियो देखा है उसका ट्यूटोरियल मैं देने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। और इससे कैसे मैंने बनाया है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और इसे अगर आप टिकटॉक पे अपलोड करते हैं तो लाइक्स मिलना बिल्कुल ही संभव है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, क्योंकि चांद के साथ मैंने बैडमिंटन खेली है हाथ से। तो इसे मैंने कैसे बनाया इसी को मैं आज बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसे समझने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं ध्यान से अच्छी तरह से समझाऊंगा, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। और साथ में आप इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद कुछ भी पूछना होगा अगर वीडियो में समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा। चाहे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही हो वहाँ पर जाकर आप मुझे से बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं काइन मास्टर ऐप में, क्योंकि इसी से वो वीडियो बनेगी। तो कैसे बनेगी तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बनाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो सबसे पहले आपको प्लस पे टैप करना है, और टैप करने के बाद आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लैंडस्केप मोड में ही सिलेक्ट कर रखेंगे, जिससे कि फुल स्क्रीन नहीं, ऐसे मोबाइल का जो रहता है लैंडस्केप मोड, ऐसे वीडियो बनेगा। तो आपने देखा होगा सबसे पहले वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर मीडिया ब्राउज़र में जाना है, और आपने जो वीडियो शूट किया है कुछ खाली स्थान में जैसे, उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने जो शूट किया था उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से टिक करते हैं। टिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वीडियो था। तो यहाँ से करेंगे क्या, इसका पहले साउंड बंद कर देंगे, क्योंकि बाहर का साउंड नहीं आना चाहिए। और आपको बता दूँ कि वीडियो कैसे शूट करना है। तो सबसे पहले आप मेरा हाथ को देखिए कि मैंने कैसे किया था। एक इधर से हाथ चला रहा हूँ, तो थोड़ा एक सेकेंड रुक के वहाँ से दूसरा हाथ चलाया, जैसे मैंने यहाँ से चलाया, फिर ऐसे करके चला रहा है। तो इतना मतलब कि टाइमिंग का गैप रहना चाहिए, या तो आप स्लो मो कर सकते हैं, टाइमिंग नहीं मिल रहा है तो आपको हम बता दें अब कहाँ से कैसे करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ से, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो इतना का बाहर का भाग आ रहा है, तो यहाँ पर टैप करते हैं और सीजर पर चलते हैं और लेफ्ट साइड को ट्रिम करते हैं। फिर यहाँ पर आपको लगता है कि वीडियो ख़त्म हो गया जहाँ पर, तो यहाँ पर लग रहा है मुझे कि यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो गया, तो ट्रिम टू राइट साइड कर देते हैं। इतना करने के बाद इसको टिक करते हैं, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत होगी, जिसका नाम है PNG इमेज। आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे कि लिखना है मून PNG इमेज, इतना लिखिएगा तो बहुत सारा आ जाएगा PNG फाइल का इमेज, और उसे डाउनलोड कर लेना है आपको। जैसा कि फाइल हम आपको दिखा दे रहे हैं, मीडिया में जाना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और फिर आपको यहाँ से वो फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर वो फाइल है, मैंने डाउनलोड किया था, तो इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से डाउनलोड है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और देख सकते हैं चांद का पूरा PNG फाइल है, इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ से ऐसे करके पूरा कर लेना है। पूरा करने के बाद आपको यहाँ से इसको क्या करना है, छोटा कर देना है जहाँ को, जहाँ पर आपको इसको फिट करना है। तो यहाँ पे मैंने फिट करना है इसको, तो ऐसे मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि हाथ कहाँ से लग रहा है, मतलब कि हाथ जहाँ से चलेगा ऐसे थोड़ा पीछे रहना चाहिए। यहाँ से हाथ मेरा लगने वाला है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे लगने वाला है, तो यहाँ पे ही ठीक रहेगा, इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी से ही ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे की का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करना है, और एक यहाँ पे प्लस कर देना है, इतना प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जैसे हाथ मेरा लगा, इतना पे लगा, तो इतना ही बढ़ाइएगा, और इसको पहले एक बीच में लगाइएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा अपने आप, और फिर एक यहाँ लाइएगा। तो यहाँ लाने से पहले यहाँ पे हाथ आ रहा है इसका, तो इसके सामने यहाँ पे ऐसे सटा दीजिए। फिर यहाँ से जाना है बीच में, तो इतना लाइएगा हाथ, और इतना थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे ला के यहाँ बीच में रख देते हैं, जो ऊपर लगेगा कि सच में खेल रहा है। और यहाँ पर मेरा हाथ देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसके सामने फिर यहाँ से ले कर यहाँ पर ऐसे जाना है, और ऐसे करके यहाँ फिर आ गया, फिर ऐसे करके यहाँ से जैसे कि हट जाना चाहिए था, तो यहाँ पे पहले बीच में जाना है, और फिर थोड़ा आगे बढ़ा के अपने हाथ के अनुसार से टाइमिंग सही मिला लीजिएगा। पहले ही यहाँ पे चला जा रहा है, तो ऐसे करके सही से मिलाइएगा। और सही से मिलाने के बाद आप यहाँ पे एक और काम क्या कीजिएगा, ये तो हो गया चांद का इधर से उधर जाना, तो हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा चला के कि कैसा बना है। तो यहाँ से हम चलाते हैं, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बना है, और आप सही टाइमिंग से मिलाइएगा तो सही रहेगा। उसके बाद आपको देखते होंगे कि मेरा जो यहाँ पे था वो अंधेरे जैसा लग रहा था, तो उसे मैंने कैसे किया था, तो यहाँ से इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है और नीचे जाना है, और यहाँ से कलर फिल्टर में जाके
नीला वाला सिलेक्ट करना है कि जो कि अंधेरे के जैसा आपको पूरा दिखने लगेगा, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो लगता है कि रात के अंधेरे में वीडियो शूट किया गया है और बहुत ही अच्छा लगने रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से इस वीडियो को बना लीजिएगा और शेयर बटन से शेयर करके एक्सपोर्ट कीजिएगा और इसे टिकटॉक में शेयर कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।